खड़ी में उजिला अधिकारी की अच्छी पहल, निर्धनों को बांटे कंबल। आपको बता दें कि प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ शीतलहर के चलते उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने ठंड से बचने के लिए सभी उपजिलाधिकारियों को निर्धनों को कंबल बांटने व जगह जगह अलाव जलाने के आदेश दिए हैं। उसी का पालन करते हुए आज खडीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र मिश्र ने निर्धनों व असहाय लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल बांटे। वहीं उपजिलाधिकारी रविंद्र मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उधम सिंह नगर में ठंड और शीत लहर का प्रकोप अभी आने वाले 10 दिन तक ज्यादा रहने वाला है। इसी को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को कंबल, रैन बसेरे की व्यवस्था व जो भी खाने पीने की व्यवस्था है वो हमारे द्वारा कराई जा रही है, जिससे उनको किसी भी तरह की समस्या ना आए। वहीं ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाने की भी व्यवस्था शुरू कर रही है। वहीं आपको बता दें कि खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट की इस पहल से निर्धन व असहाय व्यक्ति को जो ठंड से राहत मिली है उससे वह बहुत खुश है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है, क्योंकि यहाँ पर उधम सिंह नगर में कोहरा ज़्यादा हो रहा है और शीतलहर भी काफ़ी चल रही है और ये लगभग 10 दिन तक चलने वाली है। तो लिहाजा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका कंबल, रैन बसेरी की व्यवस्था और रहने वहने के लिए जो भी उनका खाना वाना है वो भी व्यवस्था हम करवा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो इसमें हमारे निर्देश ये प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति ठिठुरन से, सर्दी से इसकी जान ना जाए, तो इसका हम ध्यान रख रहे हैं और रात दिन इसमें हम काम करें। जगह तो हमारे चिन्हित हैं जहाँ पर हम अलाव जलाते हैं नगर पालिका के माध्यम से। फिर भी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर दी कि जो जड़ें हैं, पेड़ों की जड़ें हैं, उनको हमें प्राप्त करवा दें, वो उपलब्ध करवा दें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज वो हमें उपलब्ध करवा देंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ पर अलाव जलाना आवश्यक है, जहाँ पर लोग मतलब ठंड से ठिठुरे ना, तो उसकी भी हम व्यवस्था करें।